हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे जी कुरकुरी भिंडी, बिना प्याज के, बिना लहसुन के। और मुझे लगता है आलू के बाद अगर कोई ज़्यादा सब्ज़ी बनाई जाती है ना, तो वो बनाई जाती है जी भिंडी की। और भिंडी की सब्ज़ी काफ़ी तरह से बनाई जाती है। भिंडी तो प्याज़ा दही के साथ बनाई जाती है, बेसन के साथ फ्राई की जाती है। तो आज हम बना रहे हैं जी क्रिस्पी भिंडी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है जी भिंडी को, मैंने अच्छे से धो के ले लिया हुआ है। और अब हम इसे कट कर लेते हैं। और पहले हम भिंडी को कट कर लेते हैं। और ये देखिए जी भिंडी, आज मैं कुछ अलग तरीके से थोड़ा कट कर रही हूँ। आज मेरा मन कर रहा था कुछ मैं इसे ऐसे लंबी लंबी अलग शेप में थोड़ी कट कर लूँ। और एक बारी मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने अभी खाना बनाना सीखा था ना, तो मैंने भिंडी को काट के धो लिया था। तो इंसान गलतियाँ करके ही सीखता है ना, तो इसलिए हमेशा जो बिगनर्स हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप भिंडी वगैरह बनाएं उसे पहले अच्छे से धो के फिर कट करें। तो ये देखें जी, भिंडी को हमने कट कर लिया। और ये देखें जी, कुछ आज मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया। तो चलते हैं अब गैस की तरफ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया जी मस्टर्ड ऑयल, और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। और इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी जी साबित लाल मिर्च, और क्योंकि भिंडी थोड़ी थी इसलिए मैं इसमें दो ही ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही अब हम डाल देंगे भिंडी को। कुछ लोग तो इसमें जीरा भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इसमें जीरा बिल्कुल नहीं ऐड किया है, और मैंने सिर्फ इसमें लाल मिर्च ऐड किया है। और मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। और बस पहले हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा डाल सकते हैं। जैसे आपकी भिंडी अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद ऑयल को आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने उतना ही डाला है जिसमें भिंडी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। और ये देखें जी, बस थोड़ी देर हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर एकदम चेंज होना शुरू हो जाएगा। और ये देखें जी, भिंडी हमारी फ्राई हो गई है। बस थोड़ी देर इसे और कर लेते हैं पहले फ्राई। और भिंडी का कलर देखिए एकदम चेंज हो गया, फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे जी सबसे पहले नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल दें। इसके साथ डाल देंगे हम थोड़ी सी हल्दी। और इसमें डाल देंगे जी लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। बस इसमें हम और कुछ ऐड नहीं करेंगे। लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे अमचूर को। तो ये देखिए, पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। और ये देखिए जी, भिंडी भी हमारी अच्छे से क्रिस्पी हो गई है और मसाले वगैरह अच्छे से कोट हो गए हैं। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ जी अमचूर पाउडर एक चम्मच भर के। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखें जी, हमारी मज़ेदार टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी भिंडी एकदम रेडी हो गई है जी खाने के लिए। और ये देखें, गैस की फ्लेम बस मैंने बंद कर दी है। और ये देखें, कलर भी कितना अच्छा आ चुका है, भिंडी हमारी एकदम रेडी है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। और ये देखें जी, हमारी मज़ेदार टेस्टी टेस्टी भिंडी रेडी हो गई है खाने के लिए। और क्योंकि हमने इसमें अमचूर डाला था ना, उससे क्या था, थोड़ा कलर और डार्क हो जाता है। तो भिंडी तो हमारी एकदम रेडी है खाने के लिए। आप इसे दाल चावल के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। या आप इसे खाली भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ, जैसे खाना चाहे वैसे खा सकते हैं। बनाने में बहुत इजी है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।